और अब बात बाढ़ और बारिश की। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है और कई लोग परेशान हैं। आने वाले दिनों में बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में प्रशासन ने बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ और हेमकुंड साहिब के यात्रियों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भारी बारिश की वजह से सड़क पर बेतहाशा पानी बहने लगा और अचानक से आए पानी को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। मनाली में सड़क नदी में तब्दील हो गई, जहां तहां पानी ही पानी नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बांध टूट गया। पानी के साथ साथ मलबा भी बहता हुआ चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पूरी तरह से डूब गया। वहीं सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां उसमें डूबी हुई नजर आई। बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया। जब एक कार ने निकलने की कोशिश की तो पेड़ का बड़ा हिस्सा उसके आगे आकर गिर गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई और मनाली में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। और हिमाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, तो वहीं पर एक दिल दला देने वाली तस्वीर भी सामने आई जहां पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे उफनती हुई नदी को पार कर रहे हैं। सड़क पानी में समा चुकी है और सड़क के कई फीट ऊपर से नदी का पानी बहता दिखा। इस बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से वर्धा नदी में उफान आ गया। एक ही रास्ता होने की वजह से बच्चे पानी के बीच से होकर गुजरते नजर आए। इन बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी पानी के बीचों बीच से गुजरते रहे। पानी का बहाव इतना तेज था कि छोटी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। लोगों के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। जानकारी होने के बाद भी कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किया गया जिससे लोगों को रोका जा सके। और छोटी सी चूक भी यहाँ पर जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि लगातार भीषण वर्षा हो रही है जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। वहीं हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी में पानी से खिलवाड़ करने की तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ पर 3 युवक नदी को पार करने की कोशिश दरअसल कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था तो उन्होंने अपना इरादा ही बदल दिया। पहले एक लड़का नदी पार करने की कोशिश करता नजर आया, उसके दो साथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन वो नदी के बीचों बीच पहुंचता उससे पहले ही उसकी हिम्मत टूट गई, जिसके बाद वो वापस लौट आया। लेकिन उसके साथी हंसते रहे, जिसके थोड़ी देर बाद एक और लड़के ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव ज्यादा देख वो नदी पार करने की कोशिश नहीं कर पाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापारा इलाके में सूखी नदी में उफान आ गया, लेकिन लोग जान जोखिम में डालते नजर आए। एक गाड़ी को नदी में उतार दिया गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये हालात तब हैं जब कई हादसों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फट गया, जिससे तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला है, जिसने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक से हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से बेतहाशा पानी बहने लगा और देखते ही देखते नीचे बसे हुए कई गांवों में पानी घुस गया। किन्नौर में बादल फटने के बाद तबाही ही तबाही नजर आई, जहां लियो और नाको गांव में कई फीट पानी भर गया। बादल फटने और उसके बाद की तबाही का वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो में पानी के साथ साथ मलबा भी नीचे गिरता हुआ नजर आया। किन्नौर के लोगों के लिए आफत सिर्फ यहीं तक नहीं रही, बल्कि भारी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे, जिसने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में तेज बहाव में दो लड़के बह गए, जिनको बचाने के लिए पुलिस के जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और इस दौरान सुरक्षाकर्मी काफी देर तक दोनों लड़कों को बचाने के लिए गंगा की लहरों से टक्कर लेते रहे। काफी देर तक दोनों लड़के गंगा की लहरों में छटपटाते रहे। वहीं लड़कों को डूबता देख पुलिस के एक जवान ने गंगा में छलांग लगा दी। इसी बीच एक और सुरक्षाकर्मी तैरता हुआ गंगा की लहरों के बीच पहुंच गया, जिसने दोनों लड़कों को डूबने से बचाने की कोशिश की। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर आ गई, इसीलिए दोनों लड़कों को बचाने के लिए पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार दोनों लड़कों को पुलिस के जवानों ने बचा लिया और किनारे पर ले आए, लेकिन इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। दोनों लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान वो नहाने उतरे थे, लेकिन गंगा की तेज लहरों की वजह से बहते चले गए। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के मकान, खेत, सब जगह पानी में डूब गए हैं। करीब 11 गांवों में स्थिति बेहद खराब हो गई। हर ओर पानी ही पानी नजर आया।
घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। घरों में रखा काफी सामान भी भीग कर बेकार हो गया। कमर तक पानी में कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग टायर की मदद से मंजिल की ओर बढ़ते दिखे। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां नाव ही लोगों का सहारा बन गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों की मदद की। प्रभावित गाँव में करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ स्थानीय लोग भी प्रशासन की मदद करते दिखे। प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। इन्होदार शहर के मेयर की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट में उसी के फौजियों को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि उस न्यूक्लियर प्लांट में अचानक हलचल बढ़ गई और जो रूसी सैनिक उसमें मौजूद थे वो इधर उधर भागने लगे। कहा जा रहा है कि उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो घबराहट में भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में। और देश भर के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक मेडिकल कॉलेज में विवाद का वीडियो अब सामने आ गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मी मरीज के तीमारदारों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि एक लड़के को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और उसके बाद उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। जब उस लड़के ने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और डंडे से उसकी पिटाई कर दी गई। बीच में एक बुजुर्ग ने सुरक्षा कर्मियों को रोकने की कोशिश की तो उसे भी सुरक्षा कर्मी धमकाने लगे, तो वहीं एक और लड़के को जमकर पीटा। वीडियो मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का बताया गया। वीडियो सामने आने के बाद पिटाई करने वाले 7 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। मामूली विवाद में तीमारदारों की पिटाई के बाद बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में आ गया। लुलू मॉल में नमाज मामले पर कार्रवाई की गई। लखनऊ पुलिस ने मॉल में नमाज के मामले में सीसीटीवी फुटेज के जरिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लुलू मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। इससे पहले महंत परमहंस आचार्य मॉल के शुद्धिकरण की बात कहकर वहां पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग जहां जाएंगे पहले शुद्ध हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉल के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शनों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद राहत का काम तेज कर दिया गया। वहां लगातार होती बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में, जिनमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के जवान लोगों की जान बचाने में जुटे नजर आए। चंद्रपुर में तो कुछ इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद वहां नाव की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं कुछ गांवों में तो हालात इतने बिगड़ गए कि उनका शहरों से संपर्क पूरी तरह कट गया। गांव जो है उनमें बारिश का पानी जाने की वजह से थोड़ी फ्लड सिचुएशन आ गई है। वहां घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए जवानों ने लाउडस्पीकर की मदद से चेतावनी जारी की। इसके बाद वो घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो गए, जहां से उन्हें एनडीआरएफ के जवान नावों में बिठाकर गांव से दूर सुरक्षित स्थानों तक लेकर आए। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो तैरकर इस सैलाब को पार करने की कोशिश में दिखे, जिन्हें समझाकर रेस्क्यू टीम के जवानों ने वापस भेजा और फिर नाव की मदद से उन्हें गांव से बाहर निकाला। उधर वर्धा से भी रेस्क्यू की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां तो भारी बारिश की वजह से डैम